हेलो गाइस, वेलकम टू मलंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो चैप्टर अपना क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का है। और अपन स्टार्ट इससे पहले 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 उनके वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उनका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। आज अपन इस 2.5 के इंट्रोडक्शन में एलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर यानी इसी क्लास से लेकर आगे तक जो भी आपकी 11th 12th है उनमें भी काम आता है ये, ठीक है। इन फ्यूचर में भी काम आएगा, तो इन आइडेंटिटीज़ को आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए, सबसे पहली जो आइडेंटिटी है वो क्या, आपकी वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है वहाँ पर, ठीक है। तो उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा। एलजेब्रिक आइडेंटिटी नाम से, यानी एलजेब्रिक फॉर्मूलाज नाम से एक वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, उसको भी देख लेना। तो आपकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वह है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक्स वाई है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्लियर बात। थर्ड आइडेंटिटीज आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज होती है। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आइडेंटिटी आती है आपकी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी। फर्स्ट क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे डिपेंड है पूरा, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। फिर फिफ्थ वाली आइडेंटिटी आपकी स्क्वायर वाली सारी होगी। अब अपन तीन वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं। देखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे दो दो वैल्यू का स्क्वायर था और यहाँ पे तीन तीन वैल्यू। अब देखो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ऐसे बहुत सारी फॉर्मूले यहाँ पे बन जाएंगे आपके, ठीक है। तो इनको आप इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तो अपन सोल्व करेंगे, उसमें देखना आप। अब देखो, इसका फॉर्मूला होगा तीनों का स्क्वायर इंटू टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई। दो दो के पेयर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स वाई प्लस टू इंटू वाई जेड प्लस टू इंटू जेड एक्स, ये आ जाएगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ क्यूब वाली की, तो सबसे पहले है एक्स प्लस वाई का क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स वाई स्क्वायर। सिक्स्थ आइडेंटिटी आपकी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। जहाँ पे इस वाई की, देखो माइनस कौन है, वाई है, जहाँ पे इस वाई की पावर आपको ओड में दिखे वहाँ पे माइनस लगा दो। तो देखो, सबसे पहले तो मैं सेम ही लिख देता हूँ, ये सेम है। अब आपको इस साइन को चेंज करना है, तो ओड पावर कहाँ कहाँ है, एक तो ओड पावर आपकी ये है, वाई की एक ओड पावर ये है, तो यहाँ पे माइनस, बाकी जगह क्या आएगा आपका प्लस। इस फॉर्मूले को आपकी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस पूरी वैल्यू में से यदि मैं 3xy कॉमन निकाल दूँ तो एक्स प्लस वाई आपकी क्या हो जाएगी, रिमेनिंग वैल्यू। और इसी फॉर्मूले में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ से माइनस आपका, यहाँ से मैं माइनस का 3xy कॉमन निकाल दूँ तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी, एक्स माइनस वाई, ये आपकी रिमेनिंग वैल्यू रह जाएगी। एट्थ फॉर्मूला आपका आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
एक्स वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा। फिर नाइन्थ वाली जो प्रॉपर्टी है वो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये प्लस है ये, ठीक है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट आपकी जो आइडेंटिटी है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेवन ट्वेल्थ में काफ़ी काम आएगी आपके, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। यहाँ पे दो वैल्यू का क्यूब था, यहाँ पे तीन वैल्यू है, यहाँ पे दो वैल्यू लिया है फैक्टर में, तो यहाँ पे तीन वैल्यू का फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद में तीनों दोनों का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी तीनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके माइनस, तो दोनों का मल्टीप्लाई एक्स वाई, फिर दोनों का मल्टीप्लाई वाई जेड, फिर माइनस एक्स जेड, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में आपको माइंड में क्या रखना है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई करके थ्री से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस ऑफ थ्री इंटू एक्स वाई जेड, ये फॉर्मूला आपको, ठीक है ना, भूल जाओगे आप ऑफिस तो इसको आप अच्छे से रिपीट करना, अच्छे से लिख लिख के याद करना, तब जाके ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी जैसे साइंस में भी ये क्या है कि रिपीट हो जाते हैं, और आपका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करने में भी ये बहुत लाभदायक रहेगा आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका एलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो इसको आप माइंडली रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 के एक्सरसाइज पे, तो देखिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, अपन चलते हैं इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके आपके इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहला, इस फॉर्मूले में आपको x प्लस बी यानी x प्लस ए इंटू x प्लस बी इक्वल टू, ये लिख रहा है, देखो x की x है, x की जगह भी x है, a की वैल्यू आपकी 4 है, b की वैल्यू आपकी 10 है। इसके लिए आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये लीजिए, फिर ए प्लस बी यानी 4 प्लस 10, इन दोनों को ऐड करके एक्स से मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 10, इसी को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 40, ये आपका इस आइडिया यानी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो ये x की वैल्यू और ये a है और ये b है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस का है, तो इसमें भी सेम आइडेंटिटी को मैं यूज करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी a तो कितना 8, b कितना आपका माइनस का 10 इंटू कितना है x, यानी आपको क्या करना है, ए की वैल्यू 8 पुट करनी है, बी की वैल्यू आपको माइनस का 10 पुट करनी है, किसमें, इसी फॉर्मूले में, तो ये आ जाएगा। आगे देखो प्लस का 8 इंटू माइनस का 10, इसको सोल्व कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर, ये कितना आपका माइनस 2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का 2x, ये कितना आपका माइनस का 80, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको देखो, ये आपका पूरा x है, ये आपका a, ये x और ये आपका b, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर यानी 3 का 3x का स्क्वायर प्लस 4, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 5, इसको लिख सकते हैं अपन उधर कि ए एक्स की वैल्यू, ये a प्लस बी की वैल्यू इंटू में एक्स इंटू यानी प्लस ए बी, फॉर्मूला सेम लगा रखा है, इसी को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर कितना 9, एक्स का एक्स स्क्वायर ये कितना आ गया माइनस का 1, माइनस 1 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x, ये वैल्यू कितनी माइनस की 20, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये x का x प्लस
या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है? y स्क्वायर, तो y का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस, y की वैल्यू कितनी है? 3/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। y का स्क्वायर है तो y की पावर 4, माइनस 3 का स्क्वायर कितना? 9, 2 का कितना? 4, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम इसमें अप्लाई करेंगे तो a देखो x माइनस वाई सेम है, और ये आपका x है और ये आपका प्लस का y है, इसमें आप अप्लाई करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9, 2 का स्क्वायर कितना? 4, x का कितना? x स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आपको सूटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके अपन फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन को भी अभी यहीं पे कर लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। इवेल्यूट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट द मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी आपको वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट मल्टीप्लाइज, और आइडेंटिटी का यूज करना है यहाँ पे 95 × 96, और थर्ड आपका 104 × 96। इन क्वेश्चन के अंदर आपको विदाउट आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं इसको। देखो इस 103 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 + 3 लिख सकता हूं, इंटू इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 100 + 7 लिख सकता हूं। और अभी अभी मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी, क्या एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। सेम अप्लाई करते हैं, ये एक्स की वैल्यू, ये ए की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर है तो 100 का होल स्क्वायर, प्लस ए प्लस बी यानी 3 + 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है 100, प्लस ए बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 21। ए बार लिख दीजिए इसको, कितना ए बी कितना 7 × 3, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, प्लस ये कितना आ गया 10, और 10 का 10 से मल्टीप्लाई तो 1000, 100 से मल्टीप्लाई 1000, और ये प्लस का 21। यहाँ से वन डिजिट, इसका वन डिजिट और इसका वन डिजिट, ऐड करेंगे तो कितना 1, इसका टू डिजिट, इसका सेकंड डिजिट और इसका ऐड करेंगे तो कितना 2, फिर इसका थर्ड डिजिट और ये कितना 0, और फिर कितना 1, और ये कितना 11, यानी 11,021 आपका इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड को देखते हैं, 95 × 96 क्या लिखें इसको, 100 − 5 × 100 − 4 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, ये x की वैल्यू है और ये आपकी, चलो मैं लिख देता हूँ इसी फॉर्म, इसको ध्यान से देखना, इससे मैं कंपेयर करूँ किसे, इस फॉर्मूले से, तो x की वैल्यू तो 100 है, a की वैल्यू कितनी है −5, b की वैल्यू कितनी है −4, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में आप पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 100 का होल स्क्वायर प्लस −5 − 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस का इंटू में −4, ये लिख सकते हैं। तो ये तो आ जाएगा 100 यानी 10,000, 100 का स्क्वायर कितना 10,000, और ये दोनों ऐड होंगे तो −9 इंटू 100 कितना −900, और प्लस का कितना ये 20, −5 + 5 × 4 कितना 20। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, तो देखो इन दोनों को मैं ऐड करूँगा
तो 1000 यानी 10,000 20 आ गया, और 900 को माइनस करना है तो कितना आएगा, 0219 9120, ये आ जाएगा। उसके बाद में इसका थर्ड की बात करूं तो यहीं पे देख लेते हैं थर्ड को भी। देखिए थर्ड कितना है, 104, कितना लिखें, 100 + 4 × 100 - 4 लिख सकते हैं ना। अब देखो x + y × x - y क्या होगा, x² - y² यानी 100 का होल स्क्वायर - 4 का होल स्क्वायर। 100 का होल स्क्वायर कितना, 10,000 और -16 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 6 गया कितना, 10 में से 6 गया 4, क्लियर बात। फिर इधर 9 1 कितना 8 और फिर कितना 9 9, ये आ जाएगा 9984, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप नोट डाउन साथ साथ में करते रहना, ठीक है, और इनको रिपीट बार बार करते रहना, तब जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता है यहाँ से, इसी एक्सरसाइज में उनको आप माइंडली रखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें 9x² + 6y + y² सेकंड आपका 4y² - 4y + 1 थर्ड है x² - y² / 100। क्वेश्चन बोला है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, यानी सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इनको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए ध्यान से, सीधा सा मीनिंग आपको ये लग रहा होगा, x का स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर। ओपन करके देखिए वापस वही क्वांटिटी आ जाएगी। फिर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, y का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3x × y। तो फॉर्मूला मिल गया आपको, देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, x + y² = x² + 2 × x y + y² ये देख लीजिए, x² + 2 × x × y + y² तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x + y² यहाँ पे x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, आपका इस इक्वेशन का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करूँ तो सेकंड में क्या है, 4y² - 4y + 1 इसी को मैं क्या ले सकता हूँ, 2y² ओपन करके देखो वापस हो जाएगा, और इसको क्या ले सकता हूँ मैं, ये तो प्लस और ये 1 का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका, 2y × 1, और देखो 4y है आपका, तो ये कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या है आपका, माइनस है, तो इसको मैं माइनस अप्लाई करूँ तो इन दोनों में से एक क्या है, माइनस है, तो दोनों में से एक माइनस है, तो इसको मैं माइनस कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये माइनस मैं कहाँ पर अप्लाई कर दूँ, चलो ये माइनस यहीं पर रहने दो, इसी को एक स्टेप और लिख दो, 2y² + 2 × 2y, या तो इसके माइनस होगा या फिर इसके माइनस, दोनों में से आ सकता है, यदि इसके माइनस है तो कितना आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इंटू माइनस 1 प्लस का 1 का स्क्वायर, और इसी 1 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 का होल स्क्वायर, इस पर भी माइनस होता है माइनस का लगाते, दोनों में से एक क्वांटिटी के माइनस लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है -1 का होल स्क्वायर, इसको आप ओपन करके देखना यही क्वांटिटी वापस
रिपीट हो जाएगी। इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 10 का स्क्वायर, बातें की। अब मैं एक प्रॉपर्टी जानता हूँ कि a की पावर m अपॉन b की पावर m गिवन है, तो a अपॉन b की पावर m हो जाती है। तो इसी को लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आइडेंटिटी होती है, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस का वाई। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्स माइनस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन में 10, ये इसको फैक्टराइज यानी फैक्टर इसके बन जाएंगे सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में भी डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आपको सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, तो तीन क्वांटिटी वाला कौन सा फॉर्मूला था अपना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इन प्लस टू इंटू एक्स वाई, टू इंटू एक्स वाई प्लस टू इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस टू इंटू वाई जेड प्लस टू इंटू कितना आएगा जेड एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करके मैं सारी वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। पूरा चैप्टर आइडेंटिटी पर डिपेंड है बच्चों, आप आइडेंटिटी को क्लियर कर लोगे और आइडेंटिटी को यानी पूरा आप माइंडली रख लोगे तो इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। देखो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू, और तीनों की वैल्यू प्लस है, माइनस वाली है नहीं है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करूँ तो देखना, एक्स का स्क्वायर है तो ये वाली वैल्यू एक्स का स्क्वायर, प्लस इस वाई का स्क्वायर है तो ये वाई कितनी है, टू वाई का होल स्क्वायर, प्लस जेड का स्क्वायर तो जेड कितना है, फोर जेड का होल स्क्वायर। यानी इन क्वांटिटी का मैंने पहले स्क्वायर कर दिया, उसके बाद में फिर कितना है, टू इंटू एक्स वाई, तो टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो देखो कितना, एक्स इंटू टू वाई प्लस टू इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, टू वाई इंटू में फोर जेड ये आ जाएगा। फिर टू इंटू इनका भी कितना आएगा, प्लस में टू इंटू एक्स इंटू फोर जेड, एक्स जेड की वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कर दो, एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, टू का स्क्वायर कितना, फोर वाई स्क्वायर, प्लस फोर का कितना, सिक्सटीन, जेड का कितना, जेड स्क्वायर, ये टू मिलके कितना, फोर, और ये एक्स वाई, फिर ये टू ये फोर कितना, सिक्सटीन वाई जेड, टू और फोर कितना, एट इंटू में कितना है, एक्स जेड, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू ये, y की वैल्यू देखिए माइनस का y आ रहा है, और z की वैल्यू z है, तो फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करूँ तो 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, देखना ध्यान से, इसलिए माइनस था तब मैंने माइनस लगाया अंदर, फिर प्लस का z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना, 2x इंटू माइनस y, उसके बाद में प्लस टू इंटू माइनस वाई इंटू में जेड, प्लस टू इंटू जेड इंटू में एक्स, एक्स नहीं भाई टू एक्स है। इसको सोल्व कर देते हैं, टू का स्क्वायर कितना, फोर, एक्स का कितना, एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर कितना, प्लस, और वाई का कितना, वाई स्क्वायर, प्लस में जेड का स्क्वायर, प्लस, देखो ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस फोर एक्स वाई, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू वाई जेड, फिर वो कितना आ जाएगा, प्लस का फोर एक्स जेड ये आ जाएगा। सेम इसमें अप्लाई करेंगे, ये एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, तो माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, थ्री वाई का होल स्क्वायर,
प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2x इंटू वाई कितना है 3y, ये आ जाएगा। उसके बाद में प्लस 2 इंटू 3y इंटू में 2z, उसके बाद में प्लस 2 इंटू 2z इंटू माइनस का 2x। इसको सोल्व कर दो, माइनस का स्क्वायर कितना प्लस 2 का कितना 4x का कितना x स्क्वायर 3y का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, y का कितना y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, z का कितना z स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 ये माइनस 2 ये 3 मिल गया, तो यहाँ तो कितना आएगा माइनस का 12xy, फिर ये कितना आपका 12 आ जाएगा ये भी, प्लस का 12yz और ये कितना माइनस का 8zx या xz, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका फोर्थ देखते हैं, इसमें फोर्थ में क्या देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखिए ध्यान से, ये आपकी x की वैल्यू यानी इसका स्क्वायर 3a का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b, फिर प्लस 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस का c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a, ये लिख सकता हूँ। इसको ओपन कर दीजिए, इसको मैं ओपन कर दूं तो देखो कितना आ रहा है, 3a का स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का 49 बी स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना प्लस c का c स्क्वायर, ये माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करूँगा तीनों वैल्यू का, तो कितना आएगा 42ab, ये माइनस माइनस प्लस और ये कितना 14bc और ये कितना जाएगा माइनस का 6ac, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं, ये 2 आपका माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर, अब 2 इंटू माइनस 2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू माइनस 3z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू माइनस का 3z, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर कितना प्लस 2 का 4x स्क्वायर प्लस 5 का 25, y का y स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस और 3 का 9, z का z स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये माइनस है यहाँ पे, इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 5 कितना 20xy, फिर इनका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 3 इंटू 5 कितना 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 30yz, ये माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना 4, 4 इंटू 3 कितना 12xz, ये वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी इसकी। ठीक है, इसको करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर यानी 1/4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस 1/b, बी नहीं है 2, इसका मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस 1/2b इंटू 1, फिर 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/4a इंटू में 1। अब इसको ओपन कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, a का a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना प्लस 1 का 1, 2 का 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसमें देखें ये 2 से कैंसिल आउट, ये माइनस आगे आएगा तो माइनस का
वन बाई फोर ए बी, ये टू और ये टू कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बी, ठीक है। उसके बाद में ये इससे कैंसिल आउट होगा टू, तो कितना आएगा प्लस का वन बाई टू ए, ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।